गाइस समर्स में सबसे ज्यादा वेयर की जाती है टी शर्ट एंड हमारे पास टी शर्ट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। अगर आप भी अपनी एक दो टी शर्ट को बार बार वेयर करते हुए बोर हो गए हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 स्टाइलिश टी शर्ट जो आपके बजट में आ जाएंगी एंड उनके बेस्ट बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इन टी शर्ट को वेयर करने के बाद आप 100% स्टाइलिश दिखोगे गाइस एंड अगर आप अपने कॉलेज ऑफिस डेट कहीं भी जाओगे आपको 100% कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। एंड अगर आपकी ओल्ड टी शर्ट है आप अपनी ओल्ड टी शर्ट में स्टाइलिश कैसे दिख सकते हो ये भी डिस्कस करने वाले, तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना क्योंकि 800,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है हम। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो फॉर इट। नंबर वन की जो हमारी टी शर्ट आती है गाइस वेरी कॉमन टी शर्ट है एंड आपने एक ना एक बार तो उसे वेयर किया होगा वो टी शर्ट है गाइस पोलो टी शर्ट। अब ये टी शर्ट इतनी ज्यादा स्पेशल इसलिए है गाइस अगर आप एक स्किनी बंदे हो और आपकी निक्की हड्डी विजिबल होती है तो आपके लिए डायमंड है गाइस। आपको 100% एक ना एक बार पोलो टी शर्ट को वेयर करना चाहिए क्योंकि ये आपकी निक्की हड्डी को हाइड करता है एंड आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड मस्कुलर दिखाता है। आप कोई चबी पर्सन हो या फिर स्किनी हो और नॉर्मल बंदे भी हो तो भी आप इसे वेयर कर सकते हो क्योंकि इसकी हैंड की साइड कुछ इस प्रकार से स्ट्राइप्स होती है एंड इसके ऊपर की साइड ऐसा कॉलर होता है गाइज जो आपको काफी ज्यादा वर्सटाइल दिखाता है। बट कुछ बंदे 80% लोग काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं पोलो टी शर्ट के साथ, वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब भी आप पोलो टी शर्ट बाय करते हो या तो आपको एक कलर की बाय करनी है गाइज, कोई भी आप न्यूट्रल कलर सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी पोलो टी शर्ट में 2 से ज्यादा कलर्स नहीं होने चाहिए गाइज। मैंने खुद देखा है कुछ बंदों की पोलो टी शर्ट काफी ज्यादा अतरंगी कलर्स की होती है गाइज या फिर उनकी टी शर्ट काफी ज्यादा हार्ड कलर की होती है। आपको येलो रेड ऐसे कलर्स को अवॉइड करना है, समर्स में आपको वार्म कलर्स को पहनना है गाइज जो आपको काफी ज्यादा कूल दिखाए। अब चलते हैं नंबर सेकंड की टी शर्ट की ओर। नंबर सेकंड की टी शर्ट है गाइज हैनली टी शर्ट। अब गाइज देखो ये दिखने में तो काफी ज्यादा कॉमन टी शर्ट है एंड और टी शर्ट की तरह है बट इसके कॉलर साइड पे कुछ इस प्रकार के बटन्स होते हैं गाइज एंड आप इन बटन्स को एक्सचेंज करके डिजाइन वाले बटन्स भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसे सिंपली भी वेयर कर सकते हो। अगर आप थोड़े मस्कुलर हो तो आपके लिए बेस्ट है गाइज क्योंकि आप इसके ऊपर की कॉलर साइड के बटन भी खोल सकते हो जो आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखाएगा एंड आपको फुल स्लीव्स एंड हाफ स्लीव्स दोनों में ही ये मिल जाती है, आप दोनों में ही बाय कर सकते हो। हैनली टी शर्ट में आपको काफी ज्यादा डिजाइन भी मिल जाते हैं बट कौन सी हैनली टी शर्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजी तरह वहां से बाय कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5,000 लाइक, तो जल्द से जल्द कंप्लीट करा दो। एंड जब भी आप हैनली टी शर्ट को बाय करते हो गाइस तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, इसके बटन के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए गाइस एंड इसके बटन पर हार्ड स्ट्रेचिंग भी होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोकल मटेरियल की होगी एंड आपको कॉटन मटेरियल को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप लिनन भी ले सकते हो जो समर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। आप मुझे कमेंट करो आप किस मटेरियल की टी शर्ट पहनते हो, कॉटन या फिर लेनिन। अब चलते हैं नंबर 3 की टी शर्ट की ओर। नंबर 3 की टी शर्ट गाइज हर एक बंदे ने इस वर्ल्ड में वेयर की होगी एंड काफी ज्यादा कॉमन है बट उस टी शर्ट का सही यूज एंड आप उसमें और ज्यादा स्टाइलिश कैसे दिख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो टी शर्ट है गाइज राउनिक टी शर्ट। इसे आपने 100% वेयर किया होगा, आप इसे ऑफिस कॉलेज डेट कहीं भी वेयर करके जा सकते हो, अदरवाइज आप इसे सिंपली भी वेयर कर सकते हो। आपको राउंडिक टी शर्ट के सेट्स खरीदने चाहिए गाइज जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे जिसमें एक साथ 4 या फिर 7 टी शर्ट आती है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। आपको बस सिलेक्ट कर लेना है आपको न्यूट्रल कलर्स लेने हैं या फिर नॉन न्यूट्रल कलर्स। आपको न्यूट्रल कलर को सिलेक्ट करना चाहिए गाइज जिसके साथ आप इजी तरह लेयरिंग भी कर सकते हो एंड सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है ये लेयरिंग के लिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइज अगर आप खरीदते हो तो आपको पूरे पूरे सेट्स खरीदने चाहिए जिनके साथ आपको नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी भी मिलती है। आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो गाइज, कॉटन की मैंने डाल रखे हैं, वो सारी टी शर्ट आपका पूरा सीजन निकाल देगी और आप काफी ज्यादा स्टाइलिश भी दिखोगे। बट अगर आप ऑफलाइन बाय करते हो तो आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है गाइज। नंबर 1 उसका आपको फैब्रिक जरूर चेक करना है गाइज, अगर आपको लेनिन मटेरियल मिल जाता है तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है बट लेनिन थोड़ा एक्सपेंसिव आता है गाइज। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आपको कॉटन मटेरियल को सिलेक्ट करना है गाइज एंड आपको उसके फैब्रिक को स्ट्रेच करके भी चेक करना है गाइज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 2 पर आपको चेक करना है उस पर किसी भी प्रकार का लोगो नहीं होना चाहिए गाइज, ये लोगो काफी ज्यादा बैड दिखाते हैं आपको। लोगो वाली टी शर्ट आपको कैसी बाय करनी चाहिए एंड क्या क्या नए लोगो
लोगों वाली ट्रेंड आ रहे हैं वो अगली टी शर्ट में हम बाय करेंगे, बट आप पहले इस चीज़ को समझो। एंड राउंडिंग टी शर्ट आप जब भी लेते हो तो आपको एक बात का तो 100% ध्यान रखना है गाइस, आपके चेस्ट एंड शोल्डर साइड से प्रॉपर फिट होनी चाहिए राउंडिंग टी शर्ट, जब भी आप सबसे ज़्यादा स्टाइलिश एंड मस्कुलर दिखोगे। अब चलते हैं नंबर 4 की टी शर्ट की ओर। नंबर 4 की जो टी शर्ट है गाइस वो है ओवर साइज टी शर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट टी शर्ट लगती है मुझे, एंड 2023 में सबसे ज़्यादा अगर कोई टी शर्ट ट्रेंड कर रही है तो वो ये ओवरसाइज टी शर्ट है। बट अगर हम इसे कहीं बाहर से बाय करते हैं गाइज, मैंने खुद देखा है काफ़ी सारे बंदों की ओवरसाइज टी शर्ट का मटेरियल लो होता है एंड उनका डिज़ाइन भी इतना ज़्यादा खास नहीं होता। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इतने ज़्यादा स्टाइलिश टी शर्ट के लिंक्स दे दूंगा गाइज, आपका दिल खुश हो जाएगा। बट जब भी आप ओवरसाइज टी शर्ट बाय करते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना गाइज, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना उसमें 3D ग्राफिक्स होनी चाहिए। अगर आपको उसमें 3D ग्राफिक्स मिलती है तो आप और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे, अदरवाइज आप एनिमीज वाली ले सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम ओवरसाइज टी शर्ट को बाय कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको सिंपल ओवरसाइज टी शर्ट को लेना चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा स्टाइलिश दिखाएगी, जिसे आप कैजुअल वेयर पे इजी तरह वेयर कर सकते हो। कलर्स आप ब्लू कलर ले सकते हो जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में, अदरवाइज ये 3-4 टी शर्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आपके बजट में आ जाएंगी गाइज, एंड आप इन्हें इजी तरह वहां से बाय कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट एंड नंबर 5 की टी शर्ट की ओर, वो है गाइज फुल स्लीव टी शर्ट। ये टी शर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जाते हो आपके हैंड पे टैनिंग हो जाती है गाइज, बट यार जरूरी नहीं है कि हर बार हमें हाफ स्लीव वाली टी शर्ट को वेयर करना चाहिए। आप जब फुल स्लीव की टी शर्ट को वेयर करोगे एंड आपको अपने स्लीव्स को ऊपर की साइड फोल्ड कर लेना है गाइज, जिससे आपके फोर आर्म्स विजिबल होंगे, एंड लड़कियों को फोर आर्म्स काफी ज्यादा पसंद है बॉयज के, तो आप ले सकते हो। बट जब भी आप लेते हो फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट तो आपको ब्लैक कलर को जरूर सिलेक्ट करना चाहिए गाइज। ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स की टी शर्ट के साथ आप मोनोक्रोमेटिक लुक को क्रिएट कर सकते हो गाइज, जो आपकी हाइट को काफी ज्यादा बड़ा दिखाएगा। मोनोक्रोमेटिक लुक के लिए आपको ब्लैक टी शर्ट लेनी है एंड ब्लैक पैंट ले लेनी है, जो आपके पूरे स्ट्रक्चर को काफी स्टाइलिश के साथ साथ बड़ा भी दिखाएगा। बट अगर आप चाहते हो आपको फुल स्लीव्स की टी शर्ट न्यूट्रल कलर में लेनी है तो आप वो भी बाय कर सकते हो, उन चीजों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये थी कुछ स्टाइलिश टी शर्ट जो आपको सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखाएगी। बट आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।